दोस्तों आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो आपकी बात नहीं मानता, हमेशा अपनी मनमानी करता है, अगर आप उससे कुछ कहते हैं तो वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेता, मजाक में सारी बातों को टाल देता है, या फिर वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी होता है पर आपसे बात नहीं करता, आपको अटेंशन नहीं देता, आपसे प्यार नहीं करता। सिचुएशन चाहे कोई भी क्यों ना हो पर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा एहसास हो कि मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ या फिर बोर कर रहा हूँ तो आप बेझिझक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। दोस्तों आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो आपको टाइम नहीं देता, आपको अटेंशन नहीं देता, आपसे प्यार नहीं करता, तो मैं जानता हूँ ऐसा वो पहले नहीं करता था। पहले वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देता था, आपकी केयर करता था, आपसे प्यार करता था, लेकिन अब वो इतना बदल चुका है कि आपके दुखी होने पर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उसे अपने बस में कैसे करेंगे ताकि वो पहले जैसे आपको टाइम दे, आपको अटेंशन दे, आपकी केयर करे। तो समस्याओं को शॉर्ट आउट करने से पहले तो ये जानो कि समस्याएं क्रिएट कहाँ हो रही है और किसकी वजह से क्रिएट हो रही है। दोस्तों जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही है सारी आपकी वजह से ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप जाने अनजाने डिमांड लॉस ट्रिक का यूज़ कर देते हैं और ये ट्रिक आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है, पर आपको इस बात की कानों कान भनक तक नहीं होती। दरअसल डिमांड लॉस एक ऐसा ट्रिक है जिसका उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पर बहुत से लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता ही नहीं होता और वो अनजाने में इस ट्रिक का उपयोग कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें ही पछताना पड़ता है। दरअसल डिमांड लॉस का मतलब है आप जिससे प्यार करते हैं उसके डिमांड करने से पहले ही उसकी सारी डिमांड को पूरी कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहता है कि यार मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, एक्चुअली मैं किसी काम से अपने शहर से बाहर आया था और अब मेरे पास सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, मेरे पास एक रुपये भी नहीं बचा, तो मेरे पास घर वापस लौटने के लिए भी अब पैसे नहीं है, तो आप उससे कहते हैं कि यार तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ। और सच्चाई क्या है, ये जाने बिना ही आप उसे पैसे भेज देते हैं, यानी कि सामने वाले ने डिमांड किया और आपने कितनी आसानी से उसके डिमांड को पूरा कर दिया। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं जिन्हें सच्चाई पता होता है कि वो इंसान झूठ कह रहा है लेकिन फिर भी पैसे दे देते हैं ये साबित करने के लिए कि देखो मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे और कोई कर ही नहीं सकता, मैं बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ऐसा करके उन्हें लगता है वो इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर उसके डिमांड करने से पहले ही आप उसकी सारी डिमांड को पूरी कर देंगे तो उसकी नज़रों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, उसे आपकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा। और यकीन मानिए जब किसी इंसान को आपकी कमज़ोरी का पता चल जाता है तो भले ही वो आपसे कुछ नहीं कहता, चुपचाप रहता है, लेकिन वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। अब दोस्तों डिमांड पूरी मत करो से मेरा मतलब सिर्फ पैसे ना देना ही नहीं था, बल्कि किसी भी प्रकार का डिमांड हो सकता है। दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सामने वाले के डिमांड करने से पहले ही वो उनकी सारी डिमांड को पूरी कर देते हैं, ये सोचकर कि सामने वाले को खुशी मिलेगी, और उसकी खुशी के लिए, खुद के प्यार को सही साबित करने के लिए उसके डिमांड करने से पहले ही वो सारी चीज़ें उसे देने को रेडी हो जाते हैं जो चीज़ें उसके डिमांड करने के बाद भी उन्हें नहीं देनी चाहिए। अगर आप डिमांड किए बिना ही सारी डिमांड पूरी करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है तो वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो चाहता था उसे आसानी से मिल गया तो अब वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो हमें उस वक्त उस चीज़ की कदर बिल्कुल नहीं होती। इसलिए डिमांड किए बिना डिमांड पूरी कभी मत करो, वो जो चाहता है उसे आसानी से मत दो, उस चीज़ के लिए उसे वेट कराओ, उसे मेहनत करने दो, क्योंकि जो चीज़ मेहनत करके मिलती है हमें उस चीज़ की कदर होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उस इंसान का जब भी आपसे बात करने का मन करता है तो वो आपसे कहता है कि मुझसे बात करो, और उसके एक बार कहने पे ही आप उससे बात करने लग जाते हैं, लेकिन जब आपका मूड रहता बात करने का तब जब आप उसे कॉल करते हैं तो वो आपसे कहता है कि अभी मुझे काम है, मैं बाद में बात करूँगा, और ये कह के वो फ़ोन रख देता है, आपसे बातें नहीं करता। तो जब वो आपसे बात करने को कहे तो उस वक्त आपको भी कहना है कि अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी बात नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों जब उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है तो फिर आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने क्यों नहीं रखती। देखो प्यार हो या दोस्ती हो, कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कोई भी इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। और ये बात मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बचा कर रखना।
दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो फिर मिलते हैं इस तरह की और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर टाटा।